बिस्मिल्लाह रहमान। स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्लाइड नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, आज हमारा सेवंथ लेक्चर है, यानी वीक नंबर सेवन का लेक्चर है। और आज का जो लेक्चर है ये है असल में बेयरिंग कैपेसिटी फ्रॉम एसपीटी एंड सीपीटी। तो आप पहले ये मुझे बताएं कि आप लोग एसपीटी और सीपीटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस एक सेमेस्टर में? हेलो स्टूडेंट्स, आप बताएं, आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और सीपीटी आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? एसपीटी पढ़ा है यस सर, सर। स्ट्रेंथ पेनिट्रेशन टेस्ट। और कौन पेनिट्रेशन टेस्ट? सर याद नहीं आ रही है, लेकिन एसपीटी याद है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करते हैं उसको भी रिव्यू करें, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, बेयरिंग कैपेसिटी का अगर आपको फोर्थ लेक्चर का एंड याद हो, फोर्थ चैप्टर के एंड में मैंने कहा था कि बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेशन या डिटरमिनेशन के लिए फोर मेथड्स है। एक है एनालिटिकल मेथड, और एनालिटिकल मेथड कौन सा है? तर्ज़ाग़ी बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन और मेयरहॉफ बेयरिंग कैपेसिटी या जनरल बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन, वो हमने उसमें से कवर कर दिए। ठीक है, फिर दूसरा था बेयरिंग कैपेसिटी फ्रॉम कोरिलेशन विद फील्ड टेस्ट। ठीक है, तो वो जो दूसरा पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ फील्ड टेस्ट है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड टेस्ट है, लेकिन हम सिर्फ ये दो डिस्कस कर रहे हैं। और इन दो से फिर बेयरिंग कैपेसिटी किस तरह कैलकुलेट करेंगे इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा बेयरिंग कैपेसिटी डिटरमिनेशन के और भी मेथड है। डायरेक्ट फील्ड टेस्ट भी है, यानी फील्ड में डायरेक्ट बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट या फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये तो कोरिलेशन के थ्रू करते हैं, वो डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं, जिसको प्लेट लोड या पाइल लोड टेस्ट कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके अलावा प्रेजम्प्टिव बेयरिंग कैपेसिटी मेथड है या प्रेजम्प्टिव बेयरिंग कैपेसिटी वैल्यू, यानी फोर मेथड्स है टोटल। बड़े सतह पे अगर देखा जाए तो बेयरिंग कैपेसिटी के फोर मेथड्स है। ठीक है, तो फोर में से एनालिटिकल इक्वेशन वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब दूसरा है कोरिलेशन विद फील्ड टेस्ट। ठीक है, बेयरिंग कैपेसिटी फ्रॉम कोरिलेशन विद फील्ड टेस्ट, ये वाला लेक्चर आज का जो लेक्चर है ये इस हवाले से है। ठीक है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है और सीपीटी कौन पेनिट्रेशन टेस्ट है। ठीक है, ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत इसके बारे में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक रिवीजन हो जाएगी एसपीटी और सीपीटी की। सबसे पहले सेवरल इंस्टीट्यूट टेस्ट डिफाइन द स्ट्रेटिग्राफी एंड ऑब्टेन डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज एंड जियोटेक्निकल पैरामीटर्स। बहुत सारे ऐसे टेस्ट है जो डायरेक्टली, जिससे हम सॉइल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, देर आर सिवरल कोरिलेशंस यूज टू कैलकुलेट बेयरिंग कैपेसिटी फ्रॉम द फॉलोइंग टू मोस्ट कॉमन टेस्ट। अच्छा, ये जो दो टेस्ट है इनके लिए भी फिर एक कोरिलेशन नहीं है। याद रखिए, बहुत सारे कोरिलेशंस है, बहुत सारे रिसर्चर्स है। हर रिसर्चर जो है वो अपने हवाले से या अपने अंदाज से वक्त के मुताबिक डिफरेंट कोरिलेशन देते हैं कि इससे आप बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इतना एक्यूरेट होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, फिर टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता उससे ज्यादा एक्यूरेट आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चंद पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ सकते, सिर्फ आपको मतलब है आइडिया देना। ठीक है,
जो दो मेथड है वो है स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन टेस्ट, जिसको शॉर्टकट एसपीटी भी कहते हैं, दूसरा है कोन पेनेट्रेशन टेस्ट, जिसको सीपीटी भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन टेस्ट क्या चीज है और किस तरह परफॉर्म करते हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप सब पहले ये बताएं कि आपको आवाज आ रही है, कुछ समझ आ रहा है या नहीं। हेलो स्टूडेंट्स। यस सर आवाज आ रही है। तो स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन टेस्ट की तरफ आ जाए। स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन टेस्ट या एसपीटी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टेस्ट प्रोसीजर टू डिटरमिन द प्रॉपर्टीज ऑफ इन सिचु सॉइल। इन सिचु मीन, इन सिचु का क्या मतलब है? हेलो इन सिचु मीन इन साइट या ऑन साइट। ठीक है, एक्चुअल सॉइल की प्रॉपर्टीज हम एक कॉमन टेस्ट से मालूम करते हैं, उस टेस्ट को क्या कहते हैं? एसपीटी कहते हैं। एसपीटी में असल में क्या चीज है, ये इस तरह है कि आपने सबसे पहले तो बोर होल बनाना है। ठीक है, और फिर उस बोर होल में आप एक सैंपलर इंसर्ट करेंगे एक रॉड के जरिए। ठीक है, सैंपलर जिससे हम सैंपल कलेक्ट करते हैं उसको सैंपलर कहते हैं, और उस सैंपलर पे उसका कोई स्टैंडर्ड तरीका है, उस तरीके के मुताबिक आपने थ्री लेयर्स में उस सैंपल को सैंपलर को इंसर्ट करना है, थ्री लेयर ऑफ 6 inches ईच। ठीक है, 0.15 meter या 15 centimeter या 150 millimeter, ये क्या है? ये 6 inches को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पहले 6 inches डोज आप देंगे किस चीज के जरिए? एक हैमर के जरिए, और उस हैमर का वेट होगा 63.5 kg। उस सैंपलर के रॉड को आप ब्लोज देंगे। ठीक है, समझ आ रही है? और आपने हर 6 inches के लिए नंबर ऑफ ब्लोज काउंट करने हैं, जिस तरह इन वन पहले 6 inches के लिए एन वन है, दूसरे 6 inches के लिए ब्लोज का जो नंबर है वो एन टू है, और तीसरे के लिए एन थ्री है। ठीक है, और फिर फाइनली ये जो पहला 6 inches वाला इन है इसको डिस्कार्ड करते हैं, इसको काउंट नहीं करते, और एन टू और एन थ्री यानी दूसरा जो 6 inch वाला लेयर है और तीसरा 6 inch वाला लेयर है, इनका जो सम है नंबर ऑफ ब्लोज का जो सम है उसको असल में कहते हैं एसपीटी नंबर, एन कहते हैं इसको, ये वाला जो एन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब है एन क्या चीज है? एन इज द नंबर ऑफ ब्लोज फॉर 12 inch पेनेट्रेशन ऑफ स्प्लिट स्पून सैंपलर। समझ आ रही है? नंबर ऑफ ब्लोज फॉर द फर्स्ट 6 inch या 150 millimeter पेनेट्रेशन इज डिसरिगार्डेड ड्यू टू द डिस्टर्बेंस लाइकली टू एग्जिस्ट एट द बॉटम ऑफ द ड्रिल होल। ये जो ड्रिलिंग करते हैं आप, ड्रिलिंग के दौरान यहाँ पे जो इसका बॉटम है जहां पे आपने एसपीटी परफॉर्म करना होगा, ठीक है, तो वहां बॉटम पे ड्रिलिंग की वजह से कुछ डिस्टरबेंस आ सकती है, तो इस वजह से पहला जो 6 inch वाला लेयर है उसके नंबर को हम डिसरिगार्ड करते हैं और इसको काउंट नहीं करते। ठीक है, ये याद रखें कि इस ब्लो इस हैमर का जो हाइट ऑफ फॉल है वो कितना है? 0.76 meter, 0.76 meter, जो कि ऑलमोस्ट कितना बनता है? थर्टी इंचेस बनता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 inches, तो 30 inch से ये आपने क्या करना होगा, ये हैमर को सैंपलर के ऊपर गिराना होगा। इसका अपना प्रोसीजर है, अपना इक्विपमेंट है, आगे आप पिक्चर्स में ज्यादा क्लियर देखेंगे। ठीक है, ये देखें ये फिगर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये देखें इसका हैमर। ठीक है, यहाँ पे एनवल है,
इस एनवल पे ये हैमर इस तरह ऊपर करते हैं, रेज करते हैं और फिर उसको फ्रीली छोड़ते हैं, तो ये डज करके इस एनवल पे आता है। और ये एनवल कनेक्टेड है इस राट के साथ, और राट के एंड पे यहाँ पे क्या चीज लगाया हुआ है, सैंपलर लगाया है। ठीक है, तो सैंपलर नंबर ऑफ ब्लोज देंगे, यानी ब्लोज देंगे हैमर से। ठीक है, तो इस है ब्लोज की वजह से सैंपलर जो है वो जमीन के अंदर नीचे इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये याद रखिए, ये देखिए बोर होल ऑलरेडी हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, जहाँ जिस डेप्थ पे आपने एसपीटी करना है पहले वहां तक आप बोर होल करेंगे, फिर यहाँ पे एसपीटी करें, फिर अगर आप और डेप्थ पे जाना चाहते हैं, और डेप्थ पे एसपीटी करना चाहते हैं, तो फिर बोर होल करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद एसपीटी। क्लियर है? तो मेरे ख्याल में 1 1 मीटर पे अमूमन एसपीटी परफॉर्म करते हैं, बोर होल भी साथ साथ करते हैं, और हर 1 मीटर डेप्थ पे एक एसपीटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फिर एसपीटी का जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर ये है कि ये हैमर राइज करते हैं और फिर उसको फ्रीली फॉल करते हैं इस एनवल के ऊपर। ठीक है, तो इसका कोई भी तरीका हो सकता है, पुली के जरिए भी उसको ऊपर रेस कर सकते हैं और इसको फ्रीली पर छोड़ते हैं। ठीक है, कोई इक्विपमेंट भी हो सकता है, ऑटोमेटिक सिस्टम भी हो सकता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स है। तो मेन मकसद है कि ब्लोज काउंट करने। ठीक है, हर 6 इंचेस के पेनेट्रेशन के लिए, ये 6 6 इंचेस पेनेट्रेशन है, नंबर ऑफ ब्लोज काउंट करने है। ठीक है, 3 6 6 इंचेस वाला एक सीरीज होगा। पहला जो 6 इंचेस है इसको सीटिंग कहते हैं, और इसको हमने काउंट नहीं करना, यानी इसके नंबर ऑफ ब्लोज को काउंट नहीं करने। जो 2 रिमेनिंग 6 इंचेस है उनके लिए आपने नंबर ऑफ ब्लोज काउंट करने। ये देखिए पहला 6 इंचेस यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, नंबर ऑफ ब्लोज इसकी जरूरत नहीं है। फिर यहाँ से नंबर ऑफ ब्लोज काउंट करना शुरू करता है। ठीक है, दूसरे के लिए और फिर इस तरह तीसरे लेयर के लिए। तो इससे ये जो नंबर ऑफ ब्लोज है इनको एड अप करते हैं, और एडिंग के बाद एन की वैल्यू आ जाएगी, जिसको एसपीटी रेजिस्टेंस भी कहते हैं या एसपीटी एन वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, वो एन की वैल्यू हम पर फर्दर यूज करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल उस एन की वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए बाय यूजिंग कोरिलेशंस। ठीक है, क्लियर है? यस सर। प्रोसीजर इसका देखें, ये प्रोसीजर है, यहाँ पे एक सिंपल मैनुअल एसपीटी है, यहाँ पे ट्राईपॉड लगाया होगा। ठीक है, और उस ट्राईपॉड में ये पुली है, और पुली के जरिए असल में क्या चीज हैमर को रेस करना है 30 इंचेस। ठीक है, और फिर उसको फ्रीली छोड़ना है, तो इस तरह एक ब्लो आ जाएगा। ठीक है, ब्लो की मदद से इस बोर होल के अंदर जो सैंपलर है वो सैंपलर इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर है। ड्रिल अ बोरिंग टू द डेप्थ ऑफ द टेस्ट, जिस डेप्थ पे आपने टेस्ट करना है सबसे पहले वहां तक बोर करें। इंसर्ट द एसपीटी सैंपलर, जिसको स्प्लिट स्पून सैंपलर कहते हैं। स्प्लिट स्पून सैंपलर आगे आएगा भी। ये स्प्लिट स्पून इसको इसलिए कहते हैं कि ये 2 हाफ में स्प्लिट हो सकता है, इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, रेज अ 63 kg या 140 pound हैमर टू अ डिस्टेंस ऑफ 760 mm, यानी 30 इंचेस, अलाउ इट टू फॉल। ठीक है, रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द सैंपलर हैज पेनेट्रेटेड 18 इंचेस। 18 इंचेस तक इसको रिपीट करना है, लेकिन ये याद रखिए नंबर ऑफ ब्लोज हमने टोटल 18 के लिए नहीं, हर 6 6 इंचेस के लिए नंबर ऑफ ब्लोज अलग अलग काउंट करना है। इज दैट क्लियर? इस तरह यहाँ पे देखिए, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ ब्लोज या हैमर ब्लोज रिक्वायर्ड फॉर ईच 6 इंच इंटरवल। कंप्यूट द एन वैल्यू बाय समिंग द ब्लो काउंट्स फॉर द लास्ट 300 mm या 12 इंच ऑफ पेनेट्रेशन। जो लास्ट 12 इंच है उसके लिए नंबर ऑफ ब्लोज काउंट करें, और फिर उसके बाद तो ये क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी। रिमूव द एसपीटी सैंपलर एंड सॉइल सैंपल। अच्छा, एसपीटी में एक दो चीजें हो जाती है, एक तो हम एन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा ये जो सैंपलर हम यूज करते हैं इसके जरिए हम सैंपल भी उस डेप्थ से कलेक्ट कर लेते हैं, और उस सैंपल को फिर लेबोरेटरी में लाके उससे और जो टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं, और प्रॉपर्टीज उससे डिटरमाइन कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला, कॉमनली यूज होने वाला टेस्ट है, जो आसानी से लोग इसको जानते भी है और आसानी से यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हेलो स्टूडेंट्स, क्लियर है? यस सर। एसपीटी का जो स्प्लिट स्पून सैंपलर है, ये उसके बारे में, ये सैंपलर है, आपको नजर आ रहा है ये वाला बंदा, देखे इसको, इसके ऊपर शू लगा रहा है, शू। ठीक है, ये दो अलग अलग पार्ट है जिस तरह इस पिक्चर में है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए इसके एंड पे शू लगाते हैं। ठीक है, तो उस शू के जरिए ये कंबाइन भी हो जाते हैं और वो जो शू है वो तेज भी है, तो वो इंसर्शन में आसानी भी होती है। ठीक है, ये पिक्चर है स्प्लिट स्पून सैंपलर का, इसको टेक वाल सरेंडर भी कहते हैं, इसके जो वॉल है 0.25 इंचेस। ठीक है, तो ये सैंपलर कितना इंसर्ट करना है ये आपने याद रखना है, 6-6 इंचेस के इंटरवल में, 3 इंटरवल है टोटल। ठीक है, तो 18 इंचेस तक, तो ये एक एसपीटी टेस्ट है, 18 इंचेस तक इसको इंसर्ट करने के बाद एसपीटी, पहले 6 इंचेस का नंबर ऑफ ब्लोज काउंट नहीं करते, लास्ट 2 6 इंचेस के जो इंटरवल है उनके नंबर ऑफ ब्लोज सम अप करते हैं, तो इसको एसपीटी एन कहते हैं। और फिर उसके बाद ये सैंपलर निकालते हैं, सैंपलर में ये जो सॉयल है इस सॉयल को भी कलेक्ट करके लेबॉरेटरी तक ले आते हैं और लेबॉरेटरी में फिर फर्दर टेस्टिंग इस पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सैंपलिंग ट्यूब इज स्प्लिट अलोंग द लेंथ, ये स्प्लिट स्पून सैंपलर है तो इस वजह से ये स्प्लिट हो सकता है, हैमर्ड इन टू द ग्राउंड। ठीक है, इसको फिक्स करते हैं और फिर इसके बाद हैमर्ड करते हैं। अच्छा, अब अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 50 आ जाए फॉर एनी 6 इंच पेनेट्रेशन, इस प्रोसेस में मैंने क्या कहा कि हर 6 इंच के लिए आपने अलग अलग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले 6 इंचेस, दूसरा 6 इंचेस, तीसरा 6 इंचेस, इसके लिए आपने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ब्लोज के कितने ब्लोज हमने दिए। ठीक है, तो अगर किसी भी 6 इंच के लेयर के लिए नंबर ऑफ ब्लोज ज्यादा है 50 से, यानी 50 से ज्यादा ब्लोज आपने एक 6 इंचेस पहले या दूसरे या तीसरे 6 इंचेस के लिए दिए है, तो फिर ये जो एसपीटी है, ये एसपीटी, इसको क्या कहते हैं, रिफ्यूजल कहते हैं, यानी ये एसपीटी हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटा जो है बहुत ज्यादा हार्ड है, समझ आ रही है, और इस किस्म के हार्ड स्ट्रेटा के लिए एसपीटी यूजेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा ये है, अगर n इज ग्रेटर देन 100 फॉर लास्ट 12 इंचेस पेनेट्रेशन। ठीक है, पहला 6 इंचेस वाला तो वैसे भी हम इग्नोर करते हैं या डिसरिगार्ड करते हैं, तो रिमेनिंग जो 12 इंचेस पेनेट्रेशन है, लास्ट 12 इंचेस, अगर उन दोनों के लिए वो कितना है, 100 से ज्यादा है, तो फिर भी ये रिफ्यूजल कहलाता है, ये एसपीटी पर कंसिडर नहीं होगा, यहाँ के लिए फिर एसपीटी की वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये है, अगर हम 10 ब्लोज कंटिन्यूसली देते हैं और स्प्लिट स्पून सैंपलर जो है वो कोई एडवांसमेंट शो नहीं करता, कोई पेनेट्रेशन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। एक ये भी है कि अगर हम एक ब्लो देते और एक ब्लो से दड़ाम करके 6 इंचेस से ज्यादा पेनेट्रेशन होती है, समझ आ रही है, एक ब्लो से अगर 6 इंचेस से ज्यादा पेनेट्रेशन होती है तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉयल है, इसमें भी एसपीटी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कंडीशन आप याद रखें, इनको क्या कहते हैं, इनको रिफ्यूजल कहते हैं। इज दैट क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, रिफ्यूजल का समझ आ गया? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट है, जब एसपीटी की वैल्यू आ जाती है जिसको हम एन कहते हैं, तो फिर एन, ये याद रखे, ये जो एन है ये एक फील्ड प्रोसीजर है जो अमूमन लेबर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक रफ मेथड है, तो इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन की फिर फर्दर जरूरत है। ठीक है, और करेक्शन के बाद भी, ये भी याद रखे, करेक्शन के बाद भी
ये जो एसपीटी टेस्ट है ये फिर भी बहुत ज्यादा मतलब एक्यूरेट कंसिडर नहीं होता, ठीक है, स्टैंडर्ड है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। इससे ज्यादा एक्यूरेट ये होगा कि आप सॉयल सैंपल लाके लेबोरेटरी में उससे प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करें, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स के पास, हर फॉर्म के पास लेबोरेटरी तो नहीं है, समझ आ रही है। अब एक डायरेक्ट शियर टेस्ट है, ट्राइक्सियल शियर टेस्ट है, या और जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है, ये तो बहुत ज्यादा महंगे है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन फर्म के साथ ये नहीं हो सकते, तो वो क्या करते, एक एसपीटी वो ले लेते हैं और उस पे तमाम टेस्ट सिर्फ एसपीटी पे परफॉर्म करके उससे फिर कोरिलेशन के जरिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमने जो एन फाइंड आउट किया उस एन को क्या कहते हैं, मैयर्ड एसपीटी वैल्यू उसको कहते हैं, एन ये वाला, नजर आ रहे हैं आप लोगों को। हेलो स्टूडेंट्स, ये नजर आ रहा है, यस सर आ रहा है। ठीक है। यस सर। तो ये जो एन है, इसके साथ बहुत सारे फैक्टर है वो मल्टीप्लाई करते हैं करेक्शन के लिए, ठीक है। वो फैक्टर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन पर करेक्ट हो जाएगा। तो अमूमन जो एन है इसको याद रखे, तीन एन हम अमूमन यूज करते हैं। एक को कहते हैं N55, एक है N60 और एक है N70। असल में ये एफिशिएंसी या एनर्जी रेशो शो कर रहा है कि N55 है, ठीक है, मतलब है 55% एनर्जी हमने यूज किया है प्रैक्टिकली, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए, टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। अगर N60 है तो इसका मतलब है कि हमने कितनी एनर्जी यूज की है, 60% एनर्जी यूज की है, ठीक है, क्लियर है। अगर N70 है तो मतलब है 70% एनर्जी। तो जितने ज्यादा एनर्जी आप यूज करेंगे, जरा गौर से सुने, N70 यूज करेंगे तो आपका पेनेट्रेशन क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। जल्दी होने का मतलब है नंबर ऑफ ब्लोज क्या आएंगे, कम आएंगे, एज कंपेयर टू N60 एंड N55। अगर N55 है तो एनर्जी आपकी कम है, तो इस कम एनर्जी पे फिर ज्यादा ब्लोज रिक्वायर्ड होंगे 12 इंच पेनेट्रेशन के लिए। ये कंसेप्ट है कि आपको पता चले कि N55 की वैल्यू ज्यादा होगी या N70 की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये चीज। अच्छा अच्छा, अब जो भी एनर्जी लेवल है वो आपने अगर यहाँ पे N70 लिखा है तो फिर यहाँ पे ये जो सारे फैक्टर्स है, इन फैक्टर को आपने डिवाइड करना है 0.7 पे, ठीक है। अगर N60 है तो इन तमाम फैक्टर्स को आपने फिर डिवाइड करना है किस चीज पे, 0.60 पे। अगर N55 है तो फिर 0.55 पे डिवाइड करना है, इज दैट क्लियर। यस अच्छा, इसमें सारे फैक्टर एस ई सॉरी सीई सी बी सी एस सी आर, ये यहाँ पे देखिए ई एफिशिएंसी के लिए है, तो ये करेक्शन फॉर हैमर एफिशिएंसी, सीई करेक्शन फॉर हैमर एफिशिएंसी। हैमर जो है वो हमारा कितना इफिशियंट है उसके मुताबिक सीई की वैल्यू होगी। और ये जो वैल्यूज है, इन तमाम फैक्टर के वैल्यूज, ये मुख्तलिफ बुक्स में, मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स में इनकी वैल्यूज गिवन है, उन वैल्यूज को आप यूज कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ दिए है, टेबल दिया है, उस टेबल में कुछ रेंजेस गिवन है, ठीक है। सी बी करेक्शन फॉर बोर होल डायमीटर करेक्शन, ठीक है, बोर होल डायमीटर करेक्शन, यानी बोर होल का जो डाया है वो कम ज्यादा होने से इस सी बी की वैल्यू भी अफेक्ट हो सकती है, ठीक है, इसकी वैल्यू पर अकॉर्डिंग टू द बोर होल डाया होगी। इसी तरह सी एस सैम्पलर करेक्शन है, जो सैम्पलर हम यूज कर रहे हैं, जिस तरह मैंने स्प्लिट स्पून सैम्पलर का जिक्र किया, ये उसके हवाले से करेक्शन है। सी आर ये रॉड लेंथ करेक्शन है, ठीक है, रॉड का जो लेंथ है, एक तो 30 इंचेस हैमर ड्रॉप है, ठीक है, ये तो 30 इंचेस फिक्स है, याद रखे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी रॉड है
उस रॉड का लेंथ अगर फर्ज करें हम 1 मीटर डेप्थ पे टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो लेंथ कम होगा। अगर 5 मीटर डेप्थ पे टेस्ट रॉड का लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली सी आर की जो वैल्यू है वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है। और एन ऑलरेडी आप जानते हैं इसको एसपीटी वैल्यू कहते हैं। तो ये सारे करेक्शंस यहाँ पे पुट करके एन हम करेक्ट करते हैं, और फिर ये जो करेक्टेड एन है इसको फिर यूज करते हैं फर्दर कोरिलेशंस में, ठीक है। तो अमूमन जो कोरिलेशंस बने हैं वैल्यूज डिटरमाइन करने के लिए, यानी बेयरिंग कैपेसिटी मालूम करने के लिए, या शेयर स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए, फ्रैक्शन एंगल मालूम करने के लिए, यूनिट वेट मालूम करने के लिए, कंसोलिडेशन प्रॉपर्टीज मालूम करने के, तमाम जो टेक्निकल प्रॉपर्टीज के लिए, फिर इसके साथ इस एक टेस्ट के साथ कोरिलेशन मौजूद है, ठीक है। वो सारे कोरिलेशन जो है उनमें अमूमन या तो N55 यूज होता है, या N60 यूज होता है, या N70 यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखे अगर आपने आपके पास कोई कोरिलेशन मौजूद है और उसमें N70 यूज हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपने जो फील्ड में परफॉर्म किया है वो N55 है, समझ आ रही है, यानी आपने 55% एनर्जी यूज किया है, तो उसके लिए आप N करेक्ट करेंगे तो N55 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस कोरिलेशन को आप यूज नहीं कर सकते, इसको आप यूज कर सकते हैं, उसको आप कन्वर्ट करेंगे। N55 आपने डिटरमाइन किया है, इसको आप कन्वर्ट करें N70 में और फिर कोरिलेशन में यूज करें, ठीक है, क्लियर है। आगे इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है, उसमें ये चीज और भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। करेक्शन है एसपीटी एन की, इसके यहाँ पे बहुत सारे करेक्शंस गिवन है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट करेक्शन है वो यही चार करेक्शन इम्पोर्टेंट है, CE, CB, CS और CR, ठीक है। तो इसमें से इनकी वैल्यूज आप चेक करें, इनकी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, इन वैल्यूज को आप यूज करके इस PTN को करेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह सबसे पहला ओवरबर्डन स्ट्रेस है, ओवरबर्डन स्ट्रेस का मतलब है कि इस PT आप कितने डेप्थ पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इस PT कितने डेप्थ पे परफॉर्म करते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल ये 1 मीटर डेप्थ पे है, यहाँ पे इस PT परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो 1 मीटर डेप्थ पे ओवरबर्डन कितना है, ये ओवरबर्डन है, इस सॉइल का ओवरबर्डन है, ठीक है। लेकिन अगर आप 5 मीटर डेप्थ पे परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, तो फिर ये वाला सॉइल है, फिर बहुत ज्यादा सॉइल है, उसका ओवरबर्डन स्ट्रेस भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये करेक्शन है जिसको ओवरबर्डन स्ट्रेस करेक्शन कहते हैं, और CN से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये CN जो है इसको आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसको आप ये अंडर रूट 100 डिवाइडेड बाय सिग्मा जी, सिग्मा जी इज ओवरबर्डन स्ट्रेस, ठीक है, ये CN है, CN को N60 के साथ मल्टीप्लाई करके ओवरबर्डन के लिए करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादातर यूज नहीं होता, ये बाकी कोरिलेशंस है उनमें यूज होगा, बेयरिंग कैपेसिटी के हवाले से इसका ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। एनर्जी रेशो कितना है, या कौन सा हैमर हम यूज कर रहे हैं, ये जो CE है ये डिपेंड करता है टोटली ये वाला, ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड हैमर हैवी होगा तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी, ठीक है। और है सिर्फ हैवी होना ही नहीं है, उसका इस्तेमाल पे भी डिपेंड करता है, बाकी चीजें भी है, ठीक है। तो मेन चीज ये जो N60 N70 आती है वो इसी के हवाले से आती है, ठीक है। सेफ्टी हैमर, डू नॉट हैमर, ऑटोमेटिक हैमर, ये मुख्तलिफ हैमर्स है, और इनके जो वैल्यूज है CE की वो यहाँ पे गिवन है, 0.6 टू 0.85, 0.3 टू 0.6, 0.85 to 1, सबसे ज्यादा जो इफिशियंट है वो ऑटोमेटिक हैमर है, ठीक है। बोर होल डायमीटर, ये बोर होल डायमीटर गिवन है, अगर 65 to 115 mm बोर होल डायमीटर है तो आप CB की वैल्यू 1 ले सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा है, 115 mm से ज्यादा है, तो फिर अकॉर्डिंगली CB की वैल्यू भी 1 से इंक्रीज होगी, ठीक है। इसी तरह सैम्पलिंग है, वो स्टैंडर्ड सैम्पल है, स्टैंडर्ड सैम्पलर मीन स्प्लिट स्पून सैम्पलर, अगर आप स्प्लिट स्पून सैम्पलर यूज कर रहे हैं लाइनर के साथ, तो फिर
नहीं होगा सी इसकी वैल्यू पर आप क्या यूज कर सकते हैं वन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा दूसरा सैंपलर है या उसमें लाइनर नहीं है तो फिर सी एस की वैल्यू होगी, ठीक है, फिर ये करना आपने अप्लाई करना है। इसी तरह अगर रॉड लेंथ 10 मीटर से लेके 30 मीटर तक है तो फिर इस करेक्शन की जरूरत नहीं है, रॉड लेंथ वाले करेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर लेंथ इससे कम है तो फिर आपने सी आर की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करना है, ठीक। Is that clear? Hello students, clear है ये चीज? Hello? Yes sir. अच्छा हम यहां तक जो है ये पूरा रिविजन था, ठीक है। किस चीज का रिवीजन था? स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन टेस्ट का, उसके इन का कैलकुलेशन किस तरह होगी, करेक्शन किस तरह होगी, तो ये तो ऑलरेडी आप 6 सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये रिवीजन था, और अभी जो हमारा जो मेन चीज है इस चैप्टर में या यहाँ पे इस कोर्स में वो है ये वाला बेयरिंग कैपेसिटी फ्रॉम एसपीटी, ठीक है। आप लोगों को नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को जरा गौर से देखें और इसको याद करके, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इससे पहले जो हमने एनालिटिकल इक्वेशंस पढ़े उसमें जो फार्मूलाज है वो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के लिए है, ठीक है। और ये जो फार्मूलाज है एसपीटी के लिए, ये याद रखिए ये अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी के लिए है, ठीक है। अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी और अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी में क्या रिलेशन है आपको पता है? क्या रिलेशन है अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी और अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, पता है? अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करें तो फिर जो चीज बनेगा उसको हम अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी कहते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके क्या चीज बन जाता है? अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी। और इससे आप अलाउएबल लोड भी मालूम कर सकते हैं, इसी अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी से फिर आप अलाउएबल लोड भी मालूम कर सकते हैं, यानी किसी फाउंडेशन पे हम कितना लोड अलाउ करते हैं या कितना अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ रही है? किसी फाउंडेशन पे हम कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप किस तरह फिर मालूम कर सकते हैं। ये असल में अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी क्या चीज है? ये प्रेशर है, अलाउएबल बेयरिंग प्रेशर है, इतना प्रेशर हम अलाउ करते हैं या ये जो सॉइल है ये इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, ये इस पे अलाउड है, ठीक है। तो प्रेशर से हम लोड किस तरह मालूम करेंगे? प्रेशर आपको पता है कि लोड डिवाइडेड बाय एरिया है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया है। तो अब एरिया को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? यानी अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी को अगर हम फाउंडेशन के एरिया से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या चीज बन जाएगा? ये चीज याद रखिए, मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हवाले से कह रहा हूँ और इस इन्हीं चीजों के हवाले से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे एग्जाम में भी और इसके अलावा जो आपके असाइनमेंट्स है उनमें भी, ठीक है। इस क्लास के बाद आपको दो असाइनमेंट्स मिलेगी जो आपने मिड टर्म से पहले पहले, मिड टर्म के पेपर से पहले पहले आपने सबमिट करने होंगे, ठीक है। दो असाइनमेंट्स हो सकते हैं
एक वीक नंबर 7 और एक वीक नंबर 6 में आपको पोर्टल के ऊपर नजर आए, ठीक है। तो दोनों असाइनमेंट आपने याद रखे, मिड टर्म से पहले पहले सबमिट करने होंगे, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, जो इक्वेशन है एसपीटी से बेयरिंग कैपेसिटी के लिए, इस इक्वेशन को जरा गौर से देखें। क्यू अलाउबल इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय एफ वन इनटू केडी, ठीक है। फॉर बी, बी इज विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू एफ फोर। अगर बी लेस देन आर इक्वल टू एफ फोर है तो फिर हम अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर b ग्रेटर देन f4 है, यानी f4 तक अगर b है f4 तक, ठीक है, तो फिर हम ये पहले वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर b f4 से ज्यादा है तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। दोनों में थोड़ा फर्क है, ठीक है, क्लियर है। इन फार्मूलाज में जो आपको n नजर आ रहा है, क्यू ए तो क्लियर है अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी, पर n क्या चीज है, एसपीटी नंबर है। लेकिन ये याद रखे यहाँ पे जनरल n इसलिए लिखा है कि इसमें आप N55 भी यूज कर सकते हैं और N70 भी यूज कर सकते हैं, इसी तरह N60 भी यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखे कि आपके पास ये जो बाकी फैक्टर है F1, F2, F3 और F4, ये फैक्टर्स उसके लिए मौजूद हो। जिस तरह यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया है, ये बाउल्स बुक से है जो मैं ऑलरेडी आपको आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उस बुक में N55 और N70 के लिए F फैक्टर्स गिवन है। N55 के लिए F1 की वैल्यू SI यूनिट में ये है और FPS सिस्टम में ये है। इसी तरह N70 के SI यूनिट्स में ये है और FPS में ये वाले, ठीक है। तो आपने ये वाला टेबल देखना है जो आपके पास अवेलेबल टेबल है, और फिर उसके मुताबिक आपने n चेक करना है कि n कौन सा यूज करे इस फार्मूले में, N55 यूज करे या N70 यूज करे। इज दैट क्लियर? kd क्या चीज है? kd ये है 1+0.33 d/b, बट इट कैन नॉट बी मोर देन 1.33, ये याद रखिए। इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 1.33 होना चाहिए, यानी अगर इस फार्मूले से 1.33 से कम आ जाता है तो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर 1.33 से वैल्यू ज्यादा आती है इस फार्मूले से, तो फिर आपने ज्यादा नहीं लेना है, आपने 1.33 ही लेना है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये कंडीशन है, क्लियर है। हेलो स्टूडेंट्स, जवाब नहीं आ रही है आपका? यस सर, एक एग्जांपल प्रॉब्लम है, इसका स्टेटमेंट तो मैंने नहीं लिखा, सिर्फ गिवन डेटा लिखा है और फिर रिक्वायर्ड लिखा है, ठीक है। तो इसको जरा गौर से देखें, स्टेटमेंट जो भी है, लेकिन ये चीजें हमें गिवन है। N60 हमें गिवन है, समझ आ रहा है? N60 कितना है? 24। याद रखें ये जो n की वैल्यूज होती है, ये क्या है? नंबर ऑफ ब्लोज है, ठीक है, हैमर का ब्लो। तो ये ब्लो हाफ नहीं हो सकता, 0.2 नहीं हो सकता, 0.3 नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू हमेशा राउंड होल नंबर होगा, ठीक है, राउंडेड होल नंबर होगा, पॉइंट में नहीं हो सकता, ये चीज नोट कर ले, ठीक है। अच्छा, फाउंडेशन का जो डेप्थ है वो गिवन है 1 मीटर है, और ये एसपीटी भी कितने पे किया है? 1 मीटर पे किया है, ठीक है। फाउंडेशन का वेड 3 मीटर गिवन है। सेटलमेंट जो अलाउ हम करेंगे वो कितना अलाउ करेंगे? 40 मिलीमीटर। अच्छा, इसमें एक चीज मैं भूल गया, इस फार्मूले में ये जो फार्मूलाज बने हैं, ये फार्मूलाज है 25 मिलीमीटर सेटलमेंट के लिए। सेटलमेंट कितना इसमें अलाउड है, ये याद रखिए, इसमें सेटलमेंट लिमिट क्या है, कहां तक? 25 मिलीमीटर तक। समझ आ रही है ये चीज?
हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेंटी फाइव मिलीमीटर का क्या मतलब है? ये सर आ रही है। क्या मतलब क्या है 25 मिलीमीटर का? जिसको समझ आ रहा है वो बताए ना, क्या मतलब है 25 मिलीमीटर का? हेलो, करेक्शन क्या मतलब है? वन इंच क्या? वन इंच क्या हम अलाउ करते हैं बिल्डिंग को? हम अलाउ करते हैं कि 1 इंच तक उसमें सेटलमेंट हो तो खैर है, लेकिन 1 इंच से ज्यादा हम अलाउ नहीं करते। तो ये जो फार्मूलाज बने हैं, ये वाले फार्मूलाज, ये याद रखे, ये 25 मिलीमीटर सेटलमेंट के लिए बने, यानी 25 मिलीमीटर तक सेटलमेंट इन फार्मूलाज ने अलाउ किया है, लेकिन 25 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं। ठीक है, क्लियर है? यानी ये फार्मूलाज अगर हम यूज करेंगे तो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि हम अभी 25 मिलीमीटर सेटलमेंट अलाउ कर रहा है। ठीक है, इसी तरह जो एनालिटिकल इक्वेशंस हमने पढ़े हैं वो भी इसी बेस पे है कि 1 इंच सेटलमेंट जो है वो उन्होंने भी अलाउ किया है। ठीक है, क्लियर है? यस यहाँ पे सर। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि ये अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी है फॉर 25 मिलीमीटर सेटलमेंट। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम में हमें कह रहा है कि हम अलाउेबल सेटलमेंट कितना है, 40 मिलीमीटर है। समझ आ रही है? तो अब जो हमारे फार्मूलाज बने हैं वो किस चीज के लिए बने हैं? वो 25 मिलीमीटर के लिए। तो अब क्या करेंगे, वो फार्मूलाज हम 40 मिलीमीटर के लिए यूज नहीं कर सकते? बताए शाबाश, या यूज कर सकते हैं? ये कर सकते हैं सर। यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम पहले उन फार्मूला से मालूम करेंगे बेयरिंग कैपेसिटी, अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी, तो वो क्या हो जाएगा, वो 25 मिलीमीटर सेटलमेंट के लिए होगा। ठीक है, फिर उसी बेयरिंग कैपेसिटी को हम कन्वर्ट करेंगे 40 मिलीमीटर के लिए। समझ आ रही है? वो हम इसी प्रॉब्लम में सीखेंगे किस तरह अपने करना है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप देखिए, N60 गिवन है ये, ठीक है, लेकिन हमारा जो टेबल है इसमें N60 नहीं है, N55 है और N70 है। तो आप क्या करेंगे, फैक्टर हमारे पास N60 वाले नहीं है, हालांकि लोगों ने वो भी कैलकुलेट किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने दिए है वो इसमें नहीं है, N55 है और N70 है। तो नाउ व्हाट टू डू, समझ आ रही है? कैलकुलेट हमने क्या करना है, अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी फॉर 40 मिलीमीटर सेटलमेंट, जिसको क्यू ए डैश से मैंने रिप्रेजेंट किया। क्यू ए जो है वो सेटलमेंट होगी लेकिन 25 मिलीमीटर के लिए, और क्यू ए डैश जो है वो सेटलमेंट है किस चीज के लिए, 40 मिलीमीटर के। तो सबसे पहले एन को कन्वर्ट करते हैं। एन क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास फैक्टर N55 और N70 के लिए। तो आप इस N60 को 55 या 70 में कन्वर्ट कर दे। सिंस दीज इक्वेशंस आर डेवलप फॉर N70 एंड N55, देयरफॉर फर्स्ट वी विल कन्वर्ट N60। ठीक है, तो N60 को पहले किस तरह आपने कन्वर्ट करना है, किस चीज में कन्वर्ट करना है, N55 में भी कर सकता है, N70 में भी कर सकता है। ठीक है, N60 को अगर आप 70 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो N60 मल्टीप्लाई करें 60/70 से, 60/70 से, तो N70 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन याद रखे, अगर N55 में कन्वर्ट करना है, अगर 55 में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या होगा, हेलो सर, यहाँ पे सेवन होगा सेवनटी की जगह पे 55 आ जाएगा, 70 की जगह पे 55 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखे, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे
एन 70 24 मल्टीप्लाई बाय 60 बाय 70 तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 के बराबर है। अप्रोक्सीमेट इसलिए है कि ये 20.7 है, समझ आ रहा है 20.7, लेकिन 20.7 नंबर ऑफ ब्लोज तो पॉइंट में नहीं हो सकता ना, क्लियर है। तो इस वजह से इसको मैंने राउंड किया और इसको 20 लिखा। 21 क्यों नहीं लिखा? कंजर्वेटिव, कंजर्वेशन के लिए मैंने 21 की बजाय 20 लिखा है, ठीक है, क्योंकि 21 पर नंबर ऑफ ब्लोज बढ़ जाएगा तो आप 20 लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं है, 21 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली 20 के बराबर है। और इसको जरा गौर से फिर देखे, 20 जो है 24 से क्या है, कम है, यानी इन 60 के लिए 24 ब्लोज चाहिए अगर 60% एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एनर्जी बढ़ाएंगे 70% यूज करेंगे तो कंसेप्ट क्या कहता है कि पर नंबर ऑफ ब्लोज कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे अगर हम एनर्जी ज्यादा यूज करते हैं, तो नंबर ऑफ ब्लोज कम होने चाहिए, जो कि यहाँ पे हमारे पास कम आ गए, तो इसका मतलब है कि हमने सही कैलकुलेट किया है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अच्छा, एज B is greater than F4, यहाँ पे देखे F4 की वैल्यू 1.2 मीटर है और B की वैल्यू 3 मीटर है, सो B is greater than F4, और जब B greater than F4 होता है तो सेकेंड वाला जो फार्मूला है ये फार्मूला पर यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने फार्मूला लिखा है, और फार्मूले में जो KD है वो भी आपको पता है कि वो इस चीज के बराबर है, ठीक है। Is that clear? यहां तक क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है। अच्छा, आप सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट करता हूँ KD, इसमें बाकी चीजें सारे नाउन है तो वो KD अननाउन है, तो पहले KD मालूम करें, फिर सारी चीजें इस फार्मूले में पुट करें। सिंपल फार्मूला है, इससे अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। लेकिन ये याद रखे, ये जो अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी होगी ये 25 मिलीमीटर सेटलमेंट के लिए होगी, क्यों, क्योंकि ये फार्मूलाज बेस्ड ऑन 25 मिलीमीटर सेटलमेंट, ठीक है। KD इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, इस पर D इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू पुट करें तो इससे KD की वैल्यू आ जाएगी 1.11 व्हिच इज लेस देन 1.33, सो वी कैन यूज 1.11, समझ आ रही है? Yes, I 1.33 से इस फॉर्मूले से कम आ रहा है तो फिर आपने वही चीज यूज करना है जो आ गया है, ठीक है, जो फार्मूले से आपको मिला है। लेकिन अगर 1.33 से ज्यादा आ रहा है तो फिर आपने फार्मूले वाला चीज यूज नहीं करना है, फिर आपने 1.33 यूज करना है, ठीक है। अभी हमारे पास 1.11 आ रहा है तो हमने इसी को यूज करना है। एंड नाउ allowable bearing capacity for 25 millimeter settlement is this, again formula likha hai, is formula mein putting kare, step by step calculate kare to kya aa jayega 447.7 kilopascal, theek hai, 447.7 kilopascal allowable bearing capacity hai kitne millimeter ke liye, 25 millimeter settlement, theek hai। Therefore QA for 40 millimeter settlement is 40 millimeter settlement के लिए क्या होगा, ये तरीकाकार है, याद रखें 25 millimeter का जो bearing capacity है इसको आपने multiply करना है 40 के साथ और divide करना है 25 पे, 40 के साथ multiply करना है और 25 पे divide करना है, यानी जिस millimeter के लिए भी आप मालूम करेंगे वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ऊपर लिखना है, और जो फार्मूला है वो फार्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है कि वो 25 के लिए, तो 25 नीचे है, ठीक है, क्लियर है। तो ये मैंने गलत लिखा यहाँ पे 447.7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो इससे आ जाएगा 716 किलो पास्कल। ठीक है,
जो फार्मूलाज है एसपीटी के फार्मूलाज, ये हम एफपीएस सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं और सिस्टम के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें। दोनों जो यूनिट कंसिस्टेंसी है वो ठीक है। इज दैट क्लियर? जी सर, क्लियर है। अब यहाँ पे इसको जरा गौर से देखें, अगर हम 25 मिलीमीटर तक अलाउ करते हैं सेटलमेंट को तो बेरिंग कैपेसिटी कम है, अलाउएबल बेरिंग कैपेसिटी कम है। इसी तरह अगर हम 40 मिलीमीटर तक हम सेटलमेंट अलाउ करते हैं, ज्यादा सेटलमेंट अलाउ करते हैं, तो अकॉर्डिंगली बेरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। इसका कुछ समझ आ रहे हैं आपको? जी सर, आ रही हूँ। इसका कॉन्सेप्ट यह है कि मैं आपको अभी मैंने आपको बताया कि एक अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी है जिसको हम बेयरिंग प्रेशर कहते हैं, प्रेशर है असल में, ठीक है, अलाउएबल प्रेशर, इतना प्रेशर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी चीज से हम अलाउएबल लोड मालूम करते हैं, इतना लोड हम अप्लाई कर सकते हैं। लोड किस तरह मालूम करते हैं? इसी अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करें फाउंडेशन के एरिया के साथ, फाउंडेशन के एरिया के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लोड आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप कम अलाउ करेंगे कि मुझे बिल्कुल सेटलमेंट नहीं चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो फिर आपने क्या करना होगा, बेयरिंग कैपेसिटी आपकी बहुत ज्यादा, अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी आपकी कम आएगी, लोड आप ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई लोड जो है या अलाउएबल लोड है वो कम आएगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं खैर मैं 1 इंच या 2 इंच तक मैं अलाउ करता हूँ, अगर सेटलमेंट भी होता है तो ठीक है, तो फिर आप ज्यादा लोड भी अप्लाई कर सकते हैं। Is that clear? जी सर, क्लियर है। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारा एसपीटी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सीपीटी है। सीपीटी कहीं पे पढ़ा नहीं है, इससे पहले पढ़ा है या नहीं? 6 सेमेस्टर का जो जो टेक्निकल 2 है उसमें ये है, करिकुलम में है सीपीटी पेनिट्रेशन टेस्ट। हमारा जो सीपीटी या एसपीटी का, याद रखे यहाँ पे मेन मकसद कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे मेन मकसद है इनसे बेयरिंग कैपेसिटी किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन रिवीजन के तौर पे मैंने फिर भी यहाँ पे चीजें डाली है, तो इसमें जो चीजें हैं वो रिलेटेड है और देखिए तो आपको आसानी से क्लियर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दिस इज आल्सो कॉमन इंस्टीट्यूट, इसको पहले डच कोन मेथड कहते थे, अभी कोन पेनिट्रेशन टेस्ट कहते हैं सीपीटी, ठीक है। ये कोन है, इस कोन को उसी तरह जहां पे वहां पे सैंपलर करते थे, लेकिन वहां पे ब्लोज के जरिए, हैमर के जरिए ब्लोज मारते थे और उसके थ्रू, यहां पे ब्लोज नहीं है, यहां पे कंटिन्यूअस एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी के जरिए उसको इंसर्ट करते हैं, अमूमन इस तरह है, ठीक है। लेकिन कुछ मैकेनिकल कोन भी है, जो मैकेनिकल कोन में ये भी हो सकता है कि वो भी ब्लोज के जरिए आप इंसर्ट करेंगे, जिस तरह एसपीटी में है। हमारे लेबोरेटरी में भी एक कोन मौजूद है, अगर आप लोग देखा हो जो टेक्निकल लेबोरेटरी में, वो जो कोन है वो भी मैकेनिकल कोन है, उसके साथ अपना हैमर भी है, उस हैमर के जरिए उसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और उससे नंबर ऑफ ब्लोज कैलकुलेट करते हैं और उस नंबर ऑफ ब्लोज को फिर फर्दर एसपीटी में कोरिलेशन में यूज करते हैं। लेकिन ये एसपीटी नहीं है, ये सीपीटी है, ठीक है। तो ऐसे ब्लोज को क्या कहते हैं, मैकेनिकल कोन कहते हैं, ऐसे कोन को मैकेनिकल कोन कहते हैं। आजकल जो ज्यादातर यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक कोन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक कोन। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक कोन में क्या है, इनमें ज्यादातर चीजें ऑटोमेटिक है, इनमें लोड सेल है, फ्रैक्शनल सीव है, वाटरप्रूफ बुशिंग है, केबल यूज होते हैं, ठीक है, स्ट्रेन गेजेस है, कनेक्शन विद रॉड्स है, इंक्लाइनोमीटर है, पोरस स्टोन जिसको पेजोमीटर कहते हैं, ये सारी चीजें इसमें बिल्टन है, इसी कोन के अंदर है, ठीक है। और कोन केबल के जरिए कनेक्ट है कंप्यूटर के साथ, ऊपर आपका कंप्यूटर होगा और इस कंप्यूटर से आप ये जो है कनेक्टेड है
और ये जमीन के अंदर जाएगा और डेटा इंस्टेंटली आपके कंप्यूटर में शो हो जाएगा, ठीक है, यानी ये इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा और डेटा आपके कंप्यूटर में आता जाएगा साथ साथ हर डेप्थ पे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप ऑफ सीपीटी। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन है कि ये किस तरह होता है। अमूमन जो इलेक्ट्रॉनिक कोन है ये किसी व्हीकल पे माउंटेड होते हैं, फिक्स होते हैं व्हीकल के अंदर, जिस तरह ये ट्रक है, इस ट्रक के अंदर इस माउंटेड है, इसका पूरा सिस्टम है, इसके साथ कंप्यूटर भी है, डिस्प्ले भी है, प्रिंटर वगैरह सारी चीज है, और जैकिंग इक्विपमेंट, ठीक है, जैकिंग में जो फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स के जरिए जो नीचे इंसर्ट हो रहा है, वो सारी चीजें इसी मशीन के अंदर, इसी गाड़ी के अंदर है। इस तरह ये भी है, ये भी गाड़ी के अंदर सारी चीजें मौजूद है। यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि ट्रक है, लेकिन ट्रक के जो टायर है इसको फ्री करने के लिए यहाँ पे जेक सिस्टम यूज होता है, ठीक है, जेक के जरिए ये फिक्स हो जाती है, ये जो गाड़ी का अपना वजन है इस वजन के जरिए इसको नीचे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर जो कोन है, कोन में दो किस्म के कोन यूज होते थे। पहला जो कोन था जिसको डच कोन कहते थे, ठीक है, आज कोन है जिसको हम पीजो कोन कहते हैं। पीजो कोन का मतलब है कि इसमें पीजोमीटर भी इंस्टॉल है। पीजोमीटर का मकसद क्या होता है, यहाँ पे पीजोमीटर इंस्टॉल होता है, ये जो कोन का बिल्कुल निक निक में इंस्टॉल है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है ये पीजोमीटर है, जिस तरह यहाँ पे है, यहाँ पे है, कुछ कोन में कुछ एक सेंसर यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, वो परसिस्टेंसी यानी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ये जो पेजोमीटर है, पेजोमीटर वेरिएबल और पोर वाटर प्रेशर मालूम करने के लिए यूज, ठीक, क्लियर है, इज दैट क्लियर? जी सर क्लियर है। तो मशीन से प्रेशर अप्लाई करते हैं और प्रेशर के जरिए आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे जाना शुरू हो जाता है, जितने डेप्थ पे आपने करना है, 20 मीटर तक है, 40 मीटर तक है, ठीक है। इसके राड, एक राड नहीं है, ये पीसेस है, पीसेस साथ यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, तमाम पीसेस, वो साथ साथ हर एक पीस इंसर्ट करता जाता है और उसमें जो केबल है वो केबल उसके अंदर ऑलरेडी बिल्टन होता है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में क्या है, इसमें ये चीजें है, हम रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, क्यूरी, एक है स्लीव रेजिस्टेंस या स्लीव फ्रैक्शन FS, और एक है पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, ये तीन चीजें इम्पोर्टेंट है। जो कौन रेजिस्टेंस है वो यहाँ से आना चाहिए, टिप रेजिस्टेंस भी इसको कहते हैं, ठीक है, टिप रेजिस्टेंस, क्लियर है। और पोर वाटर प्रेशर जिस तरह आपको मीटर इंस्टॉल है इससे आएगा, और एस स्लीव साइड है, साइड पे कितना फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन यहाँ पे इसको ऐसे 0 to 28 meter हम ये लेटर टेस्ट परफॉर्म है तो उसका ये रिजल्ट आया। अब ये तीन चीजें तो हर सीपीटी में एक्स्ट्रा, अगर आप प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है वो उस सीपीटी में वो चीज होना चाहिए, जिस तरह मैंने जिस तरह अर्थक्वेक के हवाले से कहा, अर्थक्वेक की प्रॉपर्टीज के लिए यहाँ पे आला लगाया जाता है, ठीक है, बल्कि बेल्टन होता है उस सीपीटी के अंदर, ठीक है। ये याद रखे, ये जो रेजिस्टेंस है दो किस्म के है, एक को कहते हैं मीड कोर कोन रेजिस्टेंस, जिसको क्यूसी कहते हैं, मेजर्ड कोन रेजिस्टेंस, ठीक है, एक है टिप रेजिस्टेंस और करेक्टेड कोन रेजिस्टेंस जिसको क्यूटी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ फार्मूलाज में क्यूटी यूज होता है और कुछ फार्मूलाज में क्यूसी यूज होता है, ठीक है। तो मेजर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली आता है वो क्यूसी आता है, ठीक है, लेकिन इसको क्यूटी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंपल फार्मूला, ठीक है, तो ये कोई इतनी इशू नहीं है, दोनों एक ही चीज है तकरीबन, कन्वर्जन इसका है ऑलरेडी, ठीक है। स्लीव फ्रैक्शन,
और वाटर प्रेशर, और एक एयर, एक और चीज है जिसको फ्रैक्शन रेशो कहते हैं। ये फ्रैक्शन रेशो अमूमन यूज होती है, और ये फ्रैक्शन रेशो है fs डिवाइडेड बाय qt, यानी स्लीव फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय स्टेप रेजिस्टेंस या करेक्टेड कोन रेजिस्टेंस। ठीक है, करेक्टेड कोन रेजिस्टेंस क्या है? QC जो आता है वो ऊपर के प्रेशर के बेस पे कैलकुलेट होता है, यानी ऊपर से जो लोड अप्लाई किया है उसके बेस पे। ठीक है, QT जो है वो जो करेक्टेड रेजिस्टेंस है वो नीचे साइड से कितना प्रेशर है वो इस पे बेस्ड है। ठीक है, तो QT जो है दिस इज इक्वल टू QC प्लस UB, UB एज पोर वाटर प्रेशर इनटू 1 माइनस A। ठीक है, UB is pore water pressure and A, small a is net area ratio. Net area ratio is what? देखिए इसमें, इस कोन में एक इंटरनल डाया है जिसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और एक एक्सटर्नल डाया है जिसको कैपिटल d से रिप्रेजेंट किया है। समझ आ रहा है? जी सर। तो इन दोनों में डिफरेंस है क्यों? क्योंकि वाल थिकनेस होगी। ठीक है, इस कोन की वाल या स्लीव जो है इसकी थिकनेस होगी, तो इस थिकनेस की वजह से ये जो डी है ये छोटा होगा और ये कैपिटल डी बड़ा होगा। ठीक है, तो अब इंटरनल एरिया डिफरेंट है और एक्सटर्नल एरिया डिफरेंट है। ठीक है, तो एरिया आपको पता है पाई डी स्क्वायर बाय 4 के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए जो है ये असल में नेट एरिया रेशो है। नेट एरिया रेशो का मतलब है कि इसका एरिया यानी इंटरनल एरिया डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल एरिया। इंटरनल एरिया इज पाई स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल एरिया इज पाई कैपिटल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बाकी पाई और 4 तो सेम है, दोनों में वो कैंसिल हो जाएंगे, तो स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल डी स्क्वायर ये ए की वैल्यू है जो स्मॉल ए है। ठीक है, डी बाय कैपिटल डी होल स्क्वायर, इससे आप ए की वैल्यू कैलकुलेट करें। और पोर वाटर प्रेशर, देखें पोर वाटर प्रेशर कहाँ से आएगा, पोर वाटर प्रेशर तो पेजोमीटर जो यहाँ पे इंस्टॉल है वो ऑलरेडी मेजर कर रहा है, इस ग्राफ में पोर वाटर प्रेशर है। ठीक है, तो वो पोर वाटर प्रेशर भी पुट करके आप QT और QC का ये कोरिलेशन यूज कर सकते हैं। अब अगर पोर वाटर प्रेशर जीरो है या पेजोमीटर इंस्टॉल नहीं है, अगर डच कोन है तो डच कोन में पेजोमीटर नहीं होता बिल्टन। ठीक है, तो फिर पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई मेजरमेंट ही नहीं है। तो फिर उस केस में QT और QC दोनों सेम हो। समझ आ रही है ये वाला फार्मूला? अगर ये हम जीरो कर दे, इसकी मेजरमेंट नहीं है, जीरो हो जाएगा, तो फिर QT इज इक्वल टू QC। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखें, ये पूरा वेरिएशन हमें गिवन है 0 से 28 मीटर डेप्थ तक। ठीक है, अब इसमें आपको नजर आ रहे कि यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस कम हुआ है, बहुत ज्यादा कम हुआ है इतने डेप्थ तक, तकरीबन 13-14 मीटर डेप्थ तक, फिर 13-14 मीटर डेप्थ से फिर ज्यादा हुआ है यहाँ तक, फिर बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये क्या है, तकरीबन 18 तक, फिर 18 के बाद ये वाला तकरीबन 2 मीटर का जो फासला है, 2-3 मीटर का, ये फिर कम है रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस ज्यादा है, फिर उसके बाद कम है। तो ये क्या शो कर रहे हैं, डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल है। समझ आ रही है? डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल है। इसी तरह का स्लीव फ्रैक्शन का भी तकरीबन सेम सिचुएशन है, और पोर वाटर प्रेशर तो समथिंग एल्स है। पोर वाटर प्रेशर वाला आपको वाटर टेबल भी देता है कि वाटर टेबल 4 मीटर डेप्थ पे है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर से सीपीटी आप परफॉर्म करेंगे तो कंप्यूटर से ये ग्राफ आ जाएंगे। ठीक, क्लियर है? ये रेजिस्टेंस ज्यादा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग सॉइल है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हुआ तो इसका मतलब है ये वीक लेयर है। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये हार्ड है। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ कम हुआ है
फिर हार्ड, तो ये लेयर्स है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब आपका फाउंडेशन लेट सपोज 4 मीटर डेप्थ पे आपने देना है, डेप्थ आपका 4 मीटर है, तो 4 मीटर के लिए जब आप बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे या बाकी चीजें कैलकुलेट करेंगे, तो 4 मीटर पे इस ग्राफ में जो क्यू सी की वैल्यू है वो वैल्यू, इसी तरह जो एफ एस की वैल्यू है वो वैल्यू, इसी तरह यू बी की जो वैल्यू है वो वैल्यू, वो सारी वैल्यूज आप उठाने हैं और वो आपने यूज करने, ठीक है? 8 मीटर पे है तो फिर 8 मीटर वाली वैल्यूज, 12 मीटर पे जिस डेप्थ पे आपका फाउंडेशन है या जिस डेप्थ पे आप प्रॉपर्टी मालूम करना चाहते हैं उस डेप्थ पे आप मालूम करेंगे, ठीक है? Is that clear? जी सर क्लियर। अच्छा, बेयरिंग कैपेसिटी के लिए जो इसके फार्मूलाज है वो फार्मूलाज कोहिजन लेस सॉइल के लिए और कोहेसिव सॉइल के लिए। कोहिजन लेस का मतलब है कि कोहिजन जीरो है, कोहिजन कौन से सॉइल में जीरो है, सैंडी सॉइल में जीरो है, खास तौर पे अगर ड्राई सैंड हो तो बेयर कोहिजन बिल्कुल जीरो है। याद रखे सैचुरेटेड सॉइल में, सैचुरेटेड सैंड में भी कुछ ना कुछ कोहिजन आ सकता है, ठीक है? तो सैंड के लिए जो है ये फार्मूलाज है, स्ट्रिप फाउंडेशन और स्क्वायर फाउंडेशन के लिए। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी याद रखे ये अल्टीमेट है, एसपीटी के लिए अलाउबल वाले फार्मूलाज थे, यहाँ पे अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के फार्मूलाज है, ठीक है? और क्ले के लिए ये फार्मूला है। इसमें क्या चीज है, इसमें याद रखे ये क्या गिवन है, क्यू सी गिवन, क्यू सी तमाम फार्मूलाज में सिर्फ क्यू सी आपने पुट करना है और क्यू सी के बाद आपको क्या मिल जाएगा, क्यू यू यानी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आपको मिल जाएगा। बस सिंपल फार्मूला है, सिर्फ इसमें ये याद रखे कि ये एनालिटिकल फार्मूलाज नहीं है, ये एम्पेरिकल कोरिलेशंस है, तो एम्पेरिकल कोरिलेशंस के साथ जरूरी नहीं है कि उसकी यूनिट कंसिस्टेंसी हो, तो इस वजह से इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस यूनिट में होगी, वो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या TSF टन पर स्क्वायर फुट, ठीक है? क्लियर है कि जितने भी फार्मूलाज है सीपीटी वाले, ये वाले, इनसे वैल्यू आएगी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या TSF, क्लियर है ये? जी सर क्लियर है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू आर वेलकम। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई क्वेश्चन है तो